वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का ESI सर्वे हो रहा है। वहीं इस बीच सर्वे को लेकर एक एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की गई थी, जिसका जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गई है। इसको लेकर वकीलों ने जानकारी दी है, जानिए उन्होंने क्या कहा। आज जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी कि ASI सर्वे का कॉस्ट जमा किया जाए, उस एप्लीकेशन का हमने जवाब दे दिया है। ये बात यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फाइनली डिसाइड हो चुकी है। ASI की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसलिए ये एप्लीकेशन आफ्टर थॉट है, मिसप्लेस्ड है। और ये मांग हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका है। हाईकोर्ट में भी बात उठाई थी, हाईकोर्ट में उसमें कोई आदेश नहीं पारित किया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके कोई बहस नहीं की। इसलिए वापस जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो गया है, दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको रेज नहीं किया जा सकता। हमें कॉपी रिसीव कराई है राखी सिंह ने, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या स्टैंड लेना। सब एप्लीकेशन वगैरह की कॉपी प्राप्त कराई गई और अगली डेट 22 तारीख निर्धारित किया गया। आज कुछ नहीं हुआ, बस डेट लगी सारे लोगों को। हाँ, जो 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 एक दूसरे को कॉपी वगैरह प्रोवाइड करा दी गई, जिसको ऑब्जेक्शन फाइल करना वो फाइल कर दे, सबके निस्तारण के लिए 22 तारीख लगाया है। आपको बता दें कि ASI पत्थरों से लेकर जमीन तक, दीवार से लेकर नींव तक अत्याधुनिक मशीनों से पड़ताल कर रही है। सर्वे के अंतिम दिन तक अलग अलग हिस्सों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कार्य जारी रहेगा, जिसके बाद कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट पेश की जाएगी।